आखिर निकलते क्यों नहीं लॉस से? आपने कई बार देखा होगा, लॉस होल्ड करके लोग रखते हैं और उससे निकलते भी नहीं, लेकिन दूसरी साइड ही प्रॉफिट चल रहा होता है। तो लोगों का उस पर ध्यान नहीं जा रहा होता कि जहाँ प्रॉफिट चल रहा है, जहाँ वो लॉस को होल्ड करके बैठे रहते हैं कई घंटों से, उस पर उनका फोकस होता है पूरा। सो इस वीडियो से मैं आपकी ये साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहता हूँ कि आप कभी भी लॉस को होल्ड पे मत रखो। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी ख़राब होता है, आपकी कैपिटल भी ख़राब होती है और आप बाद में ट्रेड नहीं ले पाते हो। आपको कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैपिटल नहीं बचाओगे तो आप नेक्स्ट डे क्या ट्रेड करोगे? आप कैसे आप उस ट्रेड से आप प्रॉफिट कमाओगे? और जहाँ अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो उस लॉस को वही बुक करके आप नेक्स्ट ट्रेड ले लो, क्या पता नेक्स्ट ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए और लॉस भी रिकवर हो जाए। सो कॉमन मिस्टेक जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपका लॉस कम होगा या नहीं होगा, ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा रीज़न है लॉस होने का। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं कई लोग। ट्रेंड को इग्नोर करना, लोग ट्रेंड कहीं और जा रहा है, आप कहीं और ट्रेड करे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका पुराना ट्रेड फंसा हुआ है। इसलिए हम हर एक लॉस ट्रेड से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर ट्रेड को और बेहतर कर सकते हैं। तो हमें सीखना चाहिए और जर्नल बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें हर दिन ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने का भी एक सही टाइम होता है। कुछ तो यूट्यूबर मैंने ऐसे भी देखे हैं, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को मैंने ऐसे भी देखा है जो बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स पे वो डिपेंड होकर ट्रेड करते हैं। दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। उन्हें अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहिए और खुद स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्हें ट्रेड लेना चाहिए। शेयर मार्केट में क्या होता है कि प्रीमियम, जब आप किसी भी प्रीमियम अमाउंट को आप होल्ड करके रखते हो ज़्यादा देर तक, तो उसमें प्रीमियम भी डिके होता रहता है। तो यानी कि अगर आपने आज का अमाउंट कल के लिए बुक करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, और उसको भी फिर भी आप होल्ड करके रख रहे हो, तो आपका नुकसान होना 100% तय है। तो होल्ड पे ना रखें किसी भी ट्रेड को। आप प्रॉफिट को होल्ड पे रख सकते हो, लेकिन लॉस को ज़्यादा टाइम तक होल्ड पे नहीं रखना है। कट योर लॉसेस एंड कट योर लॉसेस। और वैसे भी 50,000 का नुकसान करने से अच्छा है कि आप 5,000 का कोई कोर्स सीख लो किसी से अच्छी तरह से, ताकि वो आपके आगे फ्यूचर में हमेशा काम आए और आपकी स्किल्स और बेहतर बनती जाए हर ट्रेड के बाद। मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ। 2 ट्रेड यानी कि आप सही मैनेज करके चल रहे हो अपने कैपिटल को भी, टाइम को भी, रिस्क को भी।